स्वागत है दोस्तों पुराने पंजाब में। इस बार इंट्रो थोड़ी चेंज हुई है, हाँ मैं पुराने पंजाब की बात कर रहा हूँ भाई, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और पंजाब जो चारों से था उस टाइम की बात आज हम करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, टाइटल आपने देख लिया, मैं पुआध की बात कर रहा हूँ। पुआध असल में है क्या, बहुत सारे बंदों को नहीं पता, जो वहाँ पे रह रहे उनको भी नहीं पता। आपने मालवा सुना होगा, आपने माझा सुना होगा, आपने दुआबा सुना होगा, ऐसे एक चौथा एरिया पुआध है। मालवा खासकर ज़्यादातर आप गानों में सुनते होंगे, ज़्यादातर मालवे के सिंगर्स अपने गानों में नाम लेते हैं, या फिर किसी न किसी सिंगर ने, जैसे माझे के सिंगर एपी ढिल्लों, मालवे से फेमस सिंगर बहुत सारे, बब्बू मान, सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, इन्होंने अपने गाने में बात की है। एपी ढिल्लों ने किया, बब्बे से गैरी संधु, उन्होंने अपने गाने में बात की है। लेकिन एक एरिया ऐसा जिसकी बात ही नहीं हुई, उसके पीछे रीज़न क्या है, हम उस बारे में बात करेंगे। और पुआध असल में इन्हीं का एक चौथा एरिया, जैसे कहते हैं ना मंजे के चार, या फिर जो खाट समझते हैं खाट के चार, तो चौथा पावा पुआध है भाई। और वहाँ की लैंग्वेज बड़ी अलग है, वहाँ की लैंग्वेज ऐसी क्यों होती है, पहले मैं भी वहीं से हूँ भाई, मैं पुआध से हूँ, मुझे भी नहीं पता था ये लैंग्वेज, मुझे लगता था हम बॉर्डर पर रहते हैं, शायद हमारे इधर पंजाब लग जाता है, यूपी लग जाता है, थोड़ा दूर चल के पौंडा साहब लग जाता है, शायद बॉर्डर पर ऐसी लैंग्वेज होती होगी, पर ऐसा नहीं है। ये पुआध के इलाकों की बात करेंगे, पुआध में कौन कौन से इलाके आते हैं। पुआध में फतेहगढ़ साहब, जिनको पता होगा, जहाँ के चार से ज़्यादा रह चुके हैं। सरहंद से आगे के जितने भी एरिया, वहाँ की अब लैंग्वेज देखना, सरहंद से आगे जितने भी इलाके हैं वो सारे पुआध में आते हैं। चंडीगढ़ पुआध में आता है, हरियाणा के हिस्से कुछ आए हैं, अंबाला, यमुनानगर, इनकी लैंग्वेज देखना आप अलग होगी, बाकी हरियाणा वालों की लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, एक्सेंट में फ़र्क होगा। अच्छा, हरियाणा वाले पुआधी बोलते हैं, उनका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, पंजाब वाले बोलते हैं थोड़ा, ये फ़र्क हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज हर 10 किलोमीटर पे चेंज हो रही है। पंचकुला पुआध में, हिमाचल के हिस्से को जो एरिया गए हैं वो उनका मुझे नहीं पता अभी, पर अगर वहाँ से कोई एक दो व्यूवर्स ना देख रहे हैं तो वो कमेंट में बता सकता है भाई। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को नहीं पता जो पुआध में रह रहे, हमें भी नहीं पता था, मैं यमुनानगर से हूँ, मुझे भी नहीं पता था, अब जाके पता चला। तो पुआध पंजाब का ही एक चौथा भाग है भाई, चौथा भाग बोल सकते हैं या फिर एक हिस्सा बोल सकते हैं पंजाब का, जैसे तीन हिस्से मालवा, माझा, दुआबा, चौथा पुआध है। और इससे रिलेटेड भाई मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बड़े दिलदार बंदे होते हैं भाई पुआध के, आओ कोई पुआध में घुमाते हैं आपको।